देखिए देश दुनिया की अहम खबरें। लंदन में संसद की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल संसद की विशेषाधिकार समिति इस मामले में स्वतः संज्ञान ले सकती है। गौरतलब है कि राहुल ने लोकसभा में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि बोलने के दौरान विपक्षी नेताओं का माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल के इस बयान की उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा स्पीकर ने आलोचना की थी। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का रोका गया 18 माह का महंगाई भत्ता उन्हें नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किश्तों का बकाया दिए जाने की कोई योजना नहीं है। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों, बंदरगाहों पर सहयोग और स्थानीय सरकारों के बीच विकेंद्रीकृत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 14 से 17 मार्च तक भारत का दौरा करेंगे। वो वर्तमान में फ्रांस के सबसे बड़े वाणिज्यिक बंदरगाह शहर ले हावरे के मेयर हैं। ब्रिटेन सरकार ने सोमवार को संसद में पेश रक्षा और विदेश नीति समीक्षा रिपोर्ट इंटीग्रेटेड रिव्यू रिफ्रेश 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता देने और यूएनएससी में सुधारों की वकालत की है। ये ब्रिटेन सरकार की ओर से भारत को सुरक्षा परिषद में स्थान देने का समर्थन करने की पहली बड़ी प्रतिबद्धता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के विदेशी मामलों के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच प्रतिद्वंदिता लंबी दूरी की मैराथन का रूप लेती जा रही है। इसके चलते पश्चिम और चीन के बीच हथियारों की होड़ बढ़ रही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने सोमवार को क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बढ़ते भू राजनीतिक हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, क्षेत्र में दुनिया की कुछ ऐसी शक्तियां भी अपनी रणनीतियों का इस्तेमाल कर रही है जिनका इससे कोई संबंध नहीं। इसके चलते पश्चिम और चीन के बीच हथियारों की होड़ पैदा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोकिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पेक्का लुंडमार्क के साथ सोमवार को एक सार्थक मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारत की गई प्रगति पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने अदानी समूह पर लगे आरोपों पर लोकसभा में पहली बार सोमवार को बयान दिया। सरकार ने कहा कि आरोपों की जांच हो रही है, ये जांच सेबी कर रही है। साथ ही ये भी बताया कि आरोपों की जांच के लिए कोई सरकारी समिति गठित नहीं की गई है। हरियाणा के पानीपत में हुई आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक में सफलता और चुनौतियों पर मंथन किया गया, जिसमें कहा गया कि केरल में संघ काफी मजबूत है, अन्य प्रांतों में भी मजबूती के प्रयास हो रहे हैं। जम्मू में अनुकूल परिणाम दिख रहे हैं। 10 जिलों के 24 मंडलों के हर ग्राम में शाखा लगी। इन शाखाओं में 20,168 स्वयंसेवक उपस्थित रहे। प्रवासी श्रमिकों पर हमले के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा, एक ज्वेलरी वर्कशॉप में काम करने वाले गौतम कठुआ को उनके 2 दोस्तों के साथ टाउन हॉल इलाके में 4 सदस्यों के समूह ने मारपीट की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। मामले के बाद तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया था। दिल्ली सरकार ने दावा किया कि बिजली पर मिल रही सब्सिडी जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि उपराज्यपाल बिजली सब्सिडी को लेकर विवाद और भ्रम फैला रहे हैं। एक दिन पहले एलजी कार्यालय से बिजली सब्सिडी नीति में बदलाव की सिफारिश संबंधी आदेश आया था। सरकार का आरोप है कि एलजी कानूनी सलाह के आधार पर दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी को वापस लेने के लिए बिजली विभाग पर दबाव बना रहे हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।